हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के शुरू में बात करने वाले नेक्स्ट जनरेशन KTM ड्यूक 250 के बारे में। कल मैंने आप लोगों को KTM ड्यूक 200 के बारे में बताया था, तो बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते रहते हैं कि भाई ड्यूक 250 के बारे में बताओ कि KTM ड्यूक 250 में कब चेंजेस करेगा, बाइक में क्या क्या चेंजेस आएंगे, कब तक ये बाइक हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन KTM ड्यूक 250 के बारे में। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता ही है कि KTM ने अपनी RC सीरीज को पूरी तरीके से चेंज कर दिया 2022 में। अब दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि भैया 2021 में ही KTM ने अपनी RC को चेंज कर दिया था जहाँ तक मुझे पता है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि अपनी जो ड्यूक सीरीज है वो कब चेंज होगी। देखिए, KTM जो ड्यूक 250 ना, उसमें आप लोगों को चेंजेस जो है वो बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भाई इस बार मुझे पता है कि जो बहुत सारी कंपनीज है वो अपनी बाइक्स में बहुत ज़्यादा अपग्रेड लाई है। तो KTM भी अभी चीज़ को समझ चुका कि भैया बाइक में चेंजेस तो करना पड़ेगा। ड्यूक 250 में आपको जो सबसे पहला चेंज मिलने वाला है वो मिलने वाला है दोस्तों इस बाइक के स्पीडोमीटर में। अभी आप लोगों को बाइक में जो स्पीडोमीटर देखने को मिलता है वो फुली डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है दोस्तों KTM वालों ने अपडेट किया है अपनी नई वाली RC में नया वाला LCD पैनल। सो अपनी जो KTM ड्यूक 250 है उसमें आपको जो सबसे पहला चेंज देखने को मिलने वाला है वो मिलने वाला है दोस्तों इस बाइक के नए LCD पैनल पे। लेकिन उसमें अभी ब्लूटूथ आता नहीं, बाकी देखते हैं शायद इसमें अपडेट करके ये लोग ब्लूटूथ ऐड कर दें। बात कर लें दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक के ग्राफिक्स में। अब देखिए, कोई भी कंपनी अपनी बाइक में जब कोई नया अपडेट लाती तो नया कलर ऑप्शन और नया ग्राफिक में ज़रूर काम करती है। सो मुझे लगता है दोस्तों जो नई वाली KTM ड्यूक 250 आएगी उसमें आप लोगों को नया ग्राफिक एंड नया कलर ऑप्शन भी ज़रूर देखने को मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि वो ग्राफिक एंड वो कलर ऑप्शन कैसे होने वाले हैं, बट मुझे उम्मीद है कि भाई KTM का जो ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन रहता है वो हमेशा बेहतर रहता है। जैसे अभी इन्होंने जो MotoGP RC निकाला वो काफ़ी अच्छी लगी, तो कुछ उस टाइप के जो ग्राफिक्स आपको ड्यूक 250 में देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो वो होने वाला है दोस्तों इस बाइक के मेरे हिसाब से क्विक शिफ्टर में। देखिए, आपको पता है कि KTM ने अपनी KTM ड्यूक 390 में जो है क्विक शिफ्टर दे दिया, बट इन्होंने अभी तक अपनी ड्यूक 250 में क्विक शिफ्टर नहीं दिया। बट अगर देखें ड्यूक 250 का प्राइस, तो मेरे हिसाब से दोस्तों मुझे लगता है कि इसमें भी ना जो है क्विक शिफ्टर होना चाहिए। और ऑब्वियसली बात है दोस्तों, अभी जो क्विक शिफ्टर है वो यामा ने अपनी RN5 में भी दे दिया है, तो ये लोगों को मुझे लगता है कि उस चीज़ में काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो ड्यूक 250 नई वाली उसमें आप लोगों को क्विक शिफ्टर भी देखने को मिलेंगे, इसके भी जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक की ब्रेकिंग प्लेट्स। अब आपको पता है दोस्तों, अभी बाइक में जो ब्रेकिंग प्लेट यूज़ की गई है ना, वो आपको नॉर्मल ब्रेकिंग प्लेट देखने को मिलती है। और नई वाली जो RC है उसमें आप लोगों को जो ब्रेकिंग प्लेट्स मिली है वो नहीं देखने को मिली है। उसमें जो बीच का सपोर्ट है वो तो पूरी तरीके से हटा दिया गया, जिससे बाइक की जो ब्रेकिंग प्लेट्स है उसका वेट तो कम हुआ ही हुआ है। वेट कम होने की वजह से बाइक की जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ी सी बेटर हमें देखने को मिली है। तो वो नई वाली जो ग्राफिक्स है वो भी आप लोगों को जो अपनी वाली KTM ड्यूक 250 में देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि भैया ड्यूक 250 में राइडिंग मोड्स कब आएंगे। TVS अपनी सभी बाइक में राइडिंग मोड्स में काम करने लगा, बट KTM कब राइडिंग मोड्स देगा। देखिए, हालांकि मुझे तो ये लगता है यार कि इस सेगमेंट की बाइक्स में ना राइडिंग मोड्स की कोई ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, मुझे लगता है कि जो KTM है वो अपनी ड्यूक 250 सीरीज में तक राइडिंग मोड दे सकता है, मतलब 390 और 250 में आपको अब राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाएंगे, इसके जो चांसेस है थोड़े से ज़्यादा है। बाकी मुझे लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन ड्यूक 250 में राइडिंग मोड्स आ सकते हैं। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक के सस्पेंशन। अब सस्पेंशन में क्या अपडेट होगा, देखिए अभी आप लोगों को बाइक में जो सस्पेंशन देखने को मिल रहे हैं खासकर ड्यूक सीरीज में, उसमें आप लोगों को WP के नॉर्मल वाले सस्पेंशन देखने को मिल रहे हैं। बट मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, जो KTM की अपनी ड्यूक 250 है, सॉरी RC सीरीज है यार, उसमें आपको WP के एपिक्स वाले सस्पेंशन मिलते हैं। तो वो नए वाले जो एपिक्स वाले जो सस्पेंशन है WP के, थोड़े से बेहतर सस्पेंशन है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड WP सस्पेंशन। तो वो नए वाले जो सस्पेंशन है वो भी आप लोगों को ड्यूक 250 में देखने को मिलेंगे, इसके भी चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। बात कर ले नेक्स्ट अपडेट के बारे में दोस्तों, तो मेरे हिसाब से वो हो सकता है दोस्तों इस बाइक के नए टेल सेक्शन पे। अभी आप लोगों को बाइक में जो टेल लाइट देखने को मिलती है वो फुली LED सेटअप में ही देखने को मिलती है, वो अच्छी भी है नो डाउट, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों उसमें ना थोड़ा सा अपडेट होना चाहिए। उसमें क्या अपडेट होगा कि जो टेल सेक्शन है वो आपको थोड़ी बेटर है और शार्प देखने को मिलेगी। जैसे अभी आप लोगों ने देखा ना, अपने नई वाली ये है क्या बोलते हैं यार RC सीरीज़ का जो टेल सेक्शन है वो आपको कितना बेहतर देखने को मिला है।
तो मुझे लगता है वो जो नई वाली टेल सेक्शन है वो भी आपको यहाँ पे थोड़ी सी ड्यूक सीरीज में देखने को मिलेगी, जिसे KTM थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल दोस्तों जो लुकिंग वाइज है ना, वहाँ पे मुझे लगता है KTM डिज़ाइन में कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा, बट हाँ फीचर जो है वो थोड़े से ऐड किए जा सकते हैं इस बाइक में। बात कर ली दोस्तों लॉन्च डेट के बारे में, तो आपको बताया कि 2023 जो है स्टार्ट हो चुका है। मुझे लगता है दोस्तों आने वाले जुलाई मंथ तक आपको ये बाइक इंडियन मार्केट में अपडेट होकर देखने को मिल सकती है। और अगर बात कर ले प्राइस के बारे में, तो मुझे लगता है दोस्तों जो प्राइस रहेगा एक्सट्रूम प्राइस अराउंड 240 तक जा सकता है। अभी 237 है, 240 तक जा सकता है। बाकी कौन कौन ड्यूक 250 का वेट कर रहा भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों की छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।